Now let us understand what is a linear equation. Now ये जो सामने आपके names आए हैं, I am 100% sure that all of you have heard about it. आपने सबने ये सुना होगा कि linear equation नाम से कोई चीज होती है, quadratic equation नाम से कोई चीज होती है. सुना है सबने? Yes sir. Yes sir. Yes sir. है ना. अब हाउ एन इक्वेशन कैन बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन एंड हाउ एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ तो डिफरेंशिएशन होता होगा ना, अदरवाइज ये दो नेम्स क्यों हैं? एंड देयर आर अदर इक्वेशंस आल्सो एंड मेनी अदर्स आल्सो, बट लीनियर इक्वेशन ये होगी और क्वाड्रेटिक ये होगी. हाँ यस यस सर. लीनियर इक्वेशन इज एक्चुअली ए सिंपल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्चुअली इन कॉमन लेमैन टर्म्स इट कैन बी टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. इट हैज एन इमेजिनरी पार्ट एंड ए रियल पार्ट, वेयर एज इन लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव ए रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट. आई होप यू हैव डन योर बीटेक राइट? यस सर, फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सर. Yeah, very mathematical answer. Thank you, sir. Very good. Very Thank good. you, sir. So very, I mean, mathematical answer. But यहाँ पे मैं और भी basic answer जो सबके लिए comfortable answer हो ना वो करना है हमें कि एक equation your answer is totally perfect, no problem in that. But I want the basic answer, है ना? Let me tell you कि एक equation linear कब कहलाती है और quadratic कब कहलाती है. हमें quadratic equation की detail में नहीं जाना क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएगी अभी. बट लेट्स डिस्कस. ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, आई नो द पीपल हु हैव डन बीटेक इन देयर ग्रेजुएशन दे नो व्हाट इज इट, बट बाकी लोगों ने शायद ये पहले किया है, दैट इज आई एम श्योर, बट दे माइट हैव फॉरगॉट दैट व्हाट इज दिस डिग्री. है ना? लेट मी राइट वन इक्वेशन. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 and x square minus 16 is equal to 0. Now, which one is a linear equation and which one is a quadratic equation? Sir, x plus y equals to 25 is a linear and x square minus 16 equals to 0 is quadratic equation. Very good. Someone who says, sir, मुझे नहीं पता. मैं किसी से ना सुनना चाहता हूं कि सर आई एम नॉट गेटिंग दैट वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इज लीनियर एंड वाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक. आई वॉन्ट टू हियर दैट इज देयर एनी वन जो ये बोले सर मुझे नहीं आया समझ में. सर सच में सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल यस यस मुझे समझ में नहीं आया सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा. ओके, नेम जस्ट गिव मी योर नेम. शोमा. ओके, वेरी गुड. आई मीन वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. सो आई वुड लव टू हियर दैट समवन विल से सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. See, if you are not going to ask the question, then I will assume that you know everything. So you need to ask, right? So now this equation is being called as linear equation and this equation is being called as quadratic equation. मैं बताता हूँ आपको पहचानते कैसे हैं. ये जो word यहाँ लिखा हुआ है, this word degree is the thing to differentiate these equations as लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे? आप मैं एक और बेसिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ एवरीवन जिन्होंने पहले आंसर किया था वो कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक. बट कैसे उसका है? आप इक्वेशन के अंदर वेरिएबल देखिए, यू चेक द वेरिएबल और उस वेरिएबल की पावर देखिए. अब व्हाट इज पावर? व्हेन आई एम राइटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27,
तो यहां पे एक्स की पावर है ये, दिस इज एंड इट इज 3. सो पावर ऑफ एक्स इज 3. ठीक है, नाउ दिस इज 3. सो टू चेक दैट विच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, विच इक्वेशन इज लीनियर, आपको उस वेरिएबल की पावर चेक करनी है. एंड इफ दैट पावर इज 1, इफ पावर इज 1 इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, इफ पावर इज 2 इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड पावर इज 3 इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन. तो अब हम यहां आते हैं. सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया ये एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ इन दिस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विच वन इज वेरिएबल सोमा? वेरिएबल क्या है? एक्स इज वेरिएबल. ओके सर, अभी हमने पढ़ा था ना, एक्स इज वेरिएबल. नाउ इस एक्स के ऊपर कोई पावर आपको दिख रही है? टू? नो, आई एम अगेन राइटिंग एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. Okay. X के ऊपर आपको कोई पावर लगी हुई दिख रही है? No, sir. There is nothing, that means the power is 1. When I'm writing X minus 10 is equal to 0, that means the power for X is 1. And that is the highest power. इस पूरे equation में इस variable की highest power जो है वो 1 है. That means दिस इज लीनियर इक्वेशन. जब भी आपकी इक्वेशन में वेरिएबल की हाइएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है. अब आप एक बार इस पे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. नाउ इन दिस वॉट इज द वेरिएबल? सर देर इज ओनली वन वेरिएबल, विच इज दैट इट इज एक्स. ओके, वॉट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल? 2. So that means this is called as quadratic equation. Okay. Let me again put some examples so that you guys can clarify it more. Okay. All right. So let's suppose x minus 20 is equal to 45x. Yes, linear or quadratic? Linear. Linear or quadratic? Linear, sir. Linear, sir. Linear. Linear. And anyone is there who is still saying, sir, मुझे समझ नहीं आया और ये तो quadratic लग रही है मुझे? Linear. Is anyone is there? No, sir. Okay. So this is linear. Why? Because आपने variable देखा, तो variable sir यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है. आप तो ये देख लीजिए इस variable की highest power क्या है पूरी equation में. और वो हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है. ठीक है, दैट हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री. सो इट इज 1, सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. नाउ लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जांपल. लेट सपोज 25x माइनस 125x स्क्वायर इज इक्वल टू 20. इट इज अ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर. Quadratic equation. Why? How? Because is the power of x is 2. Yes. Because x power is 2. Highest power of x is 2. X is variable, and the highest power of the variable is 2. Is it clear to you, Soma? Because you were the one who has asked. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Okay, so this will be the quadratic equation. So how we have differentiated it? You just check what is the variable and what is the highest power of that variable. And that highest power will give you the idea, the concept that what is, whether it is a linear equation or is it a quadratic equation. Wo linear equation hai ya quadratic equation hai.
ठीक है, चलें आगे. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? यस सर। ऑल राइट, वेरी गुड. ओके, नाउ इट्स योर टाइम. विच इज द लीनियर इक्वेशन एंड विच इज द क्वाड्रेटिक? ए इज क्वाड्रेटिक एंड बी इज लीनियर। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर इन चैट यस सर। बॉक्स प्लीज. यस सर। आंसर इन चैट बॉक्स, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. ओके, सोमा इज सेइंग बी इज लीनियर, वेरी गुड. मानसी इज सेइंग बी इज लीनियर, वेरी गुड. ज्योतिर्मोय इज सेइंग लीनियर, बी इज लीनियर, ए इज क्वाड्रेटिक, गुड. मानसी सेड ए इज क्वाड्रेटिक, ओके. सुरोजित इज सेइंग ए इज क्वाड्रेटिक, ओके. ए इज क्वाड्रेटिक, ए इज क्वाड्रेटिक, बी इज लीनियर, ओके. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई होप एवरी वन, दीपक हैज सेड ए इज क्वाड्रेटिक, तैशा इज सेइंग एंड सुष्मिता हैज आंसर्ड. सो आई होप एवरी वन हैज गॉट इट. यस सर। ओके, सो दैट्स रियली गुड टू नो. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन, राइट? ओके, नाउ there is another test time for you. Write your answer into the chat box as 1 2 3. For 1, which is the degree and which is the type of equation? For 2, which is the degree and which is the type of equation? And for 3, what is the equation and what is the type of degree and what is the equation? Write your answer into the chat box. Okay, Surojit and Mansi has answered. Mansi, reframe your answer. Okay, you are answering again. You can refer the answer, the format of answer given by Surojit, and you can answer accordingly. Like answer all the three. Right, question number 1, degree it's 2, whatever you want to answer. So I have got the answers for all the three from Surojit till now. Okay, Deepak is also answering. He has answered for first question. No issues. Take your time. Take your time to think and answer. Don't worry about that. I want every one of you to understand it. Okay, Mansi has answered, Jyotirmoy has answered, Deepak has answered all. All right, Sushmita has answered. Okay, good to know. I am waiting for others to answer. There are around 10 people, 9 people are there, and I have got the answers from 1, 2, 3, 4, 5. Aisha is answering 6. Soma, okay. Soma is answering 7. 32 is linear. Okay. Yogesh has answered degree 2 and linear. 1 is linear. Yogesh, can you reframe your answer? I'm getting a bit confused. All right. So most of you have answered it for first. So first equation, most of you have said it as the degree as 2
एंड इट इज क्वाड्रेटिक. सेकेंड वन इज लीनियर एंड डिग्री इज वन. ओके सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड सेकेंड वन ऑल्सो. सो डिग्री इज वन एंड इट इज लीनियर. परफेक्ट. एंड थर्ड वन इज क्वाइट इजी. वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो. अगेन द डिग्री इज वन एंड लीनियर. सो आई होप एवरी वन इज क्लियर विद इट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन टू द क्वेश्चन. हेलो. यस 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 सी शोमा बोल रही हूँ. अच्छा मुझे डिग्री वाला एक बार समझा दीजिए प्लीज. ओके मैंने वो डिग्री वाला मैंने समझ में आया तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. नॉट एन इश्यू एट ऑल. नॉट एन इश्यू एट ऑल. ओके लेट्स सी. दिस इज दिस. ओके नाउ in this you just check what is the variable. Soma, you keep on answering me. What is the variable? Which one is the variable? X is the variable. Now you check वॉट इज दी हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स. एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? 2x2 means 2x square. This is the highest power. हमें इससे मतलब नहीं है. हमें ये चाहिए ये. This one. So this is the highest power is 2. Now whenever the highest power of the variable in an equation is 2. Okay, Yogesh has answered. Very good. So, whenever the highest power is 2, the equation will be called as quadratic. And that highest power 2 is called as degree. Dekh lijiye. Whenever the highest power of that variable is 2, that particular equation is called as quadratic equation. And whenever the highest power is 1, you check the second question. Check this question. Now, in this question, the variable is x and the highest power is 1. You can check it over here because x is there only. The highest power is 1, so that highest power has become the degree, and this entire equation is called as linear equation. Clear hai? Haan. Chale aage? Theek hai, theek hai. Okay. Anyone else has any doubt? I hope no. No, sir. All right. Okay. So these are the answers which you have already given. Now, there are linear equations in one variable and linear equations in two variables. Now, linear equation in one variable, the equations like x plus 25 is equal to 50. This is linear equation in one variable because there is only one variable. There is only one variable, which is x. And linear equations in two variables are like x plus y is equal to 100, 3x plus 2y minus 2y is equal to 500. These are all the examples of linear equations in two variables. Why? Because these equations have two variables, x and y. ठीक है? Very basic concept. No issues? No, sir. Right. Great. Okay. So linear equation in one variable is this. Linear equation in two variable is this. We have taken the examples. So now we have completed with this. What are variable, what are this, what are the constant. Now why do we need to understand equations? Ye jo pura discussion hum kar rahe hain, iski zarurat kya hai? Yes, one objective is this ki sir QT mein aap hi ne bataya hai that there is a statistics, and in that stats we have correlation, regression, such kind of topics where we will be using the equations. Yes. But another way of understanding it, that why do we need to understand equations? इनके बिना काम नहीं चल सकता क्या? So उसके लिए we have one question over here, one
sort of a case over here. Yes. So, length of rectangle is 6 meter more than its breadth. There is a case. There is a common general life. We say example. If its perimeter is 64 meters, find length and breadth. Now, first of all, why I have taken this as a case? Because can anyone tell me, sir? Bina equation banaye hum isko solve kar sakte hain? Obviously we can try, we can hit and try, and we can say ki sir ha mind calculation se ho jayega, but most of the time first thing isko padhne ke baad mein hamare mind mein yahi aayegi na that sir first of all we need to create equation out of it. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Right, as it is saying that there is a length which is 6 meter more than its width or breadth. If the perimeter is 64, so perimeter is 64, find the length and width. L kya hoga or B kya hoga? Now the first thing which will come in our mind is that, sir, first of all we need to create equation, and that is why we need equations. We need to understand equations. When we go into the higher studies, we have so many other reasons ki sir isliye equations padni padti hai, but right now this entire lecture I am taking for really really general purpose, jisko ek maths ka student as well as ek non maths student bhi acche se samajh le. So ye ek general example maine liya hai ki aapke samne koi bhi aaye, unhone kaha ki bhaiya length jo hai na ek rectangle ki wo to 6 meter zyada hai uski width se, uske breadth se. If the perimeter is 64, मुझे ये बता दीजिए कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी. नाउ यू हैव नॉट, लेट सपोज यू हैव नॉट स्टडीड इक्वेशंस इन योर लाइफ टिल नाउ, विल यू बी एबल टू फाइंड द आंसर, या फिर आप ये कहेंगे कि ये तो कोई अजीब सी बात है, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं. आई होप द सेकंड वन विल बी द ऑप्शन यू विल चूज, कि मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं पता कैसे निकालेंगे, ऐसी चीजें मैंने कभी पढ़ी नहीं. बिकॉज ऐसी चीजें आप तभी पढ़ेंगे जब आप इक्वेशंस को स्टडी करेंगे. बिकॉज इक्वेशंस के क्वेश्चन ऐसे ही तो होते थे हमारे स्कूल टाइम में, राइट? सो वी नीड टू क्रिएट इक्वेशन. अब इक्वेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी है. आप सबसे पहले कहेंगे कि सर लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं या ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है. सो लेट सपोज बी इज एक्स मीटर, तो एल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है दैट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, दैट मींस लेंथ विल बी एक्स से 6 मीटर ज्यादा, एक्स प्लस 6. क्लियर? वी हैव दिस एंड वी हैव दिस. वी हैव अज्यूम्ड कि ब्रेथ कुछ भी होगा सर, लेट्स अज्यूम इट एज एक्स, और लेंथ उसने बोला इट इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो एल विल बी एक्स प्लस 6. Now we know what is the perimeter of a rectangle. Two. Anyone has any idea? Two into length plus breadth. Two into L plus B. I know. Okay. So now we have this. ये सर standard formula है. तो P आपको given है 64. वो रख दिया 2. L आपको गिवन है, आपने निकाला x plus 6 and b is x. So yes, you can simplify it and find the x. But what is it? It is nothing but an equation. Yes or no? ये equation ही तो बनाई आपने. Yes sir. So that is why this is very basic example. Most of you who have maths in your, who had maths in their 11, 12th in graduation might be thinking, sir, kya basic cheeze padha rahe ho? But my objective is this. I want you to understand the significance, why we need to understand something, why we need to study something. Yes, sir. So this is why we need equations in our life.
There is another example. So solution of linear equation, solution of linear equation in one variable and solution of linear equation in two variable. Now solution of linear equation in one variable is quite easy. जैसे अभी हमने वो एग्जाम्पल किया, इन दैट एग्जाम्पल वॉट वॉज द पैरामीटर, पैरामीटर वॉज 64. We are studying it into two category, linear equation in one variable and two variable. So one variable मैं quickly बता रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं समझ आया बताइएगा. So we had that equation 2 into x plus 6 plus x is equal to 64. We had this. So now when we simplify it further, you can do it like 2 से divide कर दीजिए, या let's suppose we are going very basic. So 2 को सबसे multiply किया is equal to 64. So 2x plus 2x 4x plus 12 is equal to 64. This is the standard form of a linear equation in one variable. Because यहाँ पे एक ही variable है. Now you can solve it. Simply we will transfer this over here. So 4x is equal to 64 minus 12. 4x will become 64 minus 12. What it is? 52. Yes, sir. And x is equal to, since 4 is in multiplication, so x is equal to 52 divided by 4. What is the answer? 13. 13. So x is equal to 13 is the answer. And if you go into that question, you have assumed b as x, so b will be 13, and l as x plus 6, so it will be 13 plus 6 is equal to 19. You can put x is equal to 13 in this, and you will realize that you are getting 64 as total. ठीक है, so this is how we solve a linear equation in one variable. Any problem, any doubt? No, no sir. Very good, very good, very good, sir. Now can you guys quickly give me the answer to this? Again, the pattern is same. Pattern is same. Just write 1, 2, 3, 4. Answer for 1 is this, answer for 2 is this, answer for 3 is this, answer for 4 is this. Write your answers into the chat box. Okay, so I'm getting answers from people. Surojit said x is equal to, first question, the answer is 2. Okay. For second question, the answer is minus 1 by 9. Okay. Okay.
थर्ड वन इज 15, फोर्थ वन इज, थर्ड वन इज 15, ठीक है, फोर्थ वन इज 125, okay, I'm getting other answers also. Asha says, okay, Yogesh has sent 125. 125, double 250, 50. Okay, so in the first go, Jyotirmoy has answered. Surojit, you need to check your answer second, and Jyotima, you need to check your answer number one. Okay, Mans is at two, and minus 1/9. Okay. Okay, Soma said answer is two, and third is 25. Okay. Third one is 20. Soma, both your answers are right. And then Deepak said minus 2 for the first one. Minus 2. And minus 1 for the second one. Okay. 15, 125. Rojit. X is equal to 2. No, sir, it's not. Minus, okay, it is not minus. Okay, got it. Sushmita said x is equal to 2. Okay, I is equal to minus 1, so that will give me 25. X is equal to 15, and x is equal to 125. Okay, second one. So in one go, Sushmita has answered all the questions right. No issues. So let's check. So these are the right answers, and most of you are 75% correct. Either you just had one or two problem. Not an issue. No need to sorry, Jyotirmoy. It's okay. These are the answers actually, and you have solved it by yourself. And I'll just make you verify this. Is that x is equal to so 2? If I put 2 over here, it will become 6 plus 4. So it is giving me 10 as answer. So that is right. Y is equal to minus 1. So minus 1 will make it 4 minus 9 plus 30. When you simplify it, you will get 25 as RHS. So that is perfect. And when you put 15 over here, it will become 75. And 25, when you add them, you will get 100. So that is okay. And in this, when you put 125, so 125 will become 250. Plus 50, it will give me 300. So I hope everyone is okay with the answers. Yes, sir. This is quite easy. Now let us come on to the main part, the solution of linear equations in two variable. Now solution of linear equation in two variable, जो हमारे काम आने वाला है बहुत ज़्यादा. One variable equations इतना ज़्यादा काम नहीं आएंगे, but समझना दोनों को चाहिए, आना दोनों चाहिए. सो देर आर मैनी मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आई हैव टेकन टू वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज मेथड. आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं दोनों में से. इसके अलावा वी हैव ग्राफिकल मेथड ऑल्सो, विच आई हैव प्लान्ड टू डिस्कस विद यू, बिकॉज ग्राफिकल आई मीन ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन इज इन आर syllabus, because when we'll be doing LPP, simplex method, graphical method, so we have this utilization of this graphs and all over there. So we'll be discussing that also. But apart from graphical method, we have this elimination method, we have this substitution method, and one is also there cross multiplication method.
right? In our school days, we have understood all these methods, but for the purpose of this study, this revision of the basics, we'll be doing elimination as well as substitution. ठीक है, now let us start with substitution method. Now let me take the linear equation in two variable. Now we have let's suppose x plus y is equal to 10, and we have let's suppose 2x plus 3y is equal to 50. Now you would be thinking कि सर ये दो equations क्यों लिखी है आपने? सबसे पहले हमें ये समझना है. If you want me to solve a particular equation, I should have at least number of equations should be equal to number of variables. Please understand it carefully. What I am saying, if you are asking me to solve a two variable equation x plus y is equal to 10, suppose aap mujhe sirf ye dete hain and you are asking me a solution, so there might be many solutions to it. If you want one perfect solution, I should have number of equations should be equal to number of variables. Means if you are asking me to solve a two variable equation, sir minimum aap mujhe do equations dijiye. तो आपने मुझे एक इक्वेशन तो दे दी, आई नीड वन मोर इक्वेशन. सो दिस पेयर इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो यू विल ऑलवेज हैव अ पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब दो क्यों चाहिए? बिकॉज सिंस देयर आर टू वेरिएबल्स, so I need at least two equations to solve it. This is the ground rule. Okay, is it clear? So in order to solve the linear equation in two variable, I will be having two equation. One is x plus y is equal to 10, let's suppose, and 2x plus 3y is equal to 50. Now I am using substitution method. So when I am using substitution method, substitution ka meaning kya hota hai? Can anyone tell me what is the meaning of substitution? What do we mean by substitution? Can anyone please answer? Replacement of something. Yes, replacement. Putting something at place of something. Right? So, substitution method says you have, please listen carefully, you have equation number one. You have equation number two. Now what you will do, you take this one equation and you find just transfer this y over there. So you'll have x is equal to 10 minus y. Isme kisi ko koi problem? नो सर. ये क्यों किया ये मैं अभी बताऊंगा, बट ये कैसे किया इसमें कोई दिक्कत? नो सर. ओके, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस y. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेज दैट टेक एनी ऑफ दीज इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन आप ले ले, एंड ट्राई टू गेट कन्वर्ट दिस इक्वेशन, लाइक वन वेरिएबल विल रिमेन ओवर देयर इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर राइट हैंड साइड. So you are getting x is equal to 10 minus y. Now substitute this x is equal to 10 minus y. I am again saying substitute this x is equal to 10 minus y in
equation 2. Just replace x as 10 minus y. So equation 2 is 2x plus 3y is equal to 50. I'll put x is equal to 10 minus y. So I'll replace this x as 10 minus y plus 3y is equal to 50. So when I simplify it, 20 minus 2y plus 3y is equal to 50. So 20 plus y is equal to 50. So what is the value of y? 30. 30. Very good. Now, what is the concept? The concept of substitution methods is, again, I'm repeating, take any of these equations. So I have taken first equation. Try to get the equation in this form that x is equal to 10 minus y. Aap isko ye bhi kar sakte the, y is equal to 10 minus x. Koi problem nahi hai. And then substitute this value, this x is equal to 10 minus y in equation 2, in the second equation. When you do it, what you are doing, you are converting the two variable equation into the one variable equation. देखिए आप यहां पे only one variable रह गया, other variable चला गया. So one variable equation बहुत आसान हो जाता है solve करना. 20 को transfer करिए, so y is equal to 50 minus 20, so y is equal to 30. Now you have y is equal to 30. इसको कहीं भी replace कर दीजिए, या best चीज ये है कि ये जो आपने ऊपर बनाया था इसी में replace कर दीजिए. So x is equal to 10 minus y. So x is equal to 10 minus 30. So x will be minus 20. जिसको doubt हो वो answer करे. Otherwise I will assume that everybody is clear with this. Anyone who has not got this, जिसको ये समझ नहीं आया, or you want me to repeat, please respond. Either in chat or by voice, whatever you are comfortable at. No problem? No, sir. I hope everyone is clear with that. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me one thing. Are you guys on that WhatsApp group which is being created yesterday? All of you are there on that group? Yes, sir. Or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is there anyone who is not on that group? Okay, so I am assuming that everyone is on that group. So I am posting one link on that group. What you have to do? Okay, first of all, let me ask one more thing with you guys. Have you registered yourself on IIMCRP? Yes, sir. For enrollment number, sir. Is there anyone who is that key, sir? What is IIMCRP? Yes, sir. What is that? Yes, yes. Okay, let me first stop this presentation and let me come on to the home page, and then we'll talk about IIMCRP a bit, and then we'll again. Sir, that's for enrollment number. Yeah, because you might have received some message that you need to register on. Yeah, sir, I received it. No, sir, I received my username and password. You have received your username and password. Very good, very good. So, is there anyone who has not registered and who is not familiar with what is IIMCRP?
कोई है जो अभी नहीं जानते कि सर आईएमसीआरपी क्या होता है? सर मैं नहीं जानता सर आईएमसीआरपी क्या होता है सर। योगेश आई थिंक राइट? जी सर। ओके दीपक आप लोगों को क्या कोई लिंक भेजा गया था कि इसके थ्रू आपको रजिस्टर्ड करना है? यस सर लिंक आया था। ओके सो कैन यू शेयर आई मीन योगेश आपके पास वो लिंक आया? एक मैसेज आएगा नहीं तो मेल आएगा, आप चेक कीजिए, चेक करो मैसेज और मेल। ओके ओके योगेश आप आपके पास कोई मैसेज या मेल आया इसके रिगार्डिंग? सर नहीं आया सर अभी तक तो। अभी तक नहीं आया। ओके तो अब आ जाएगा। 70-80% पीपल आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपके पास भी अब मैसेज या मेल आ जाएगा, उसके थ्रू आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। लेट मी ब्रीफ यू कि होता क्या है आईएमसीआरपी। दिस इज अ पोर्टल वेयर यू विल बी एक्चुअली मार्किंग योर अटेंडेंस। वी हैव अ सिस्टम कि जो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहां होंगे, एंड आपको वहां पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके होम पेज पे वो टेस्ट वहां पे होगा अवेलेबल। आपको सिर्फ क्लिक करना है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। टेस्ट जो होगा वो टाइम बेस्ड टेस्ट होगा। जस्ट अ सेकेंड, यस यस। सो दैट टेस्ट विल बी टाइम बेस्ड एंड उस टाइम पे ही वो आपके वहां पे अवेलेबल होगा और उस टाइम के निकल जाने के बाद वो क्लोज हो जाएगा। सो आपको उस पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस वहां मार्क करनी होती है। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन आईएमसीआरपी नॉट एन इश्यू, यू विल गेट द लिंक एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड, बिकॉज फ्रॉम मंडे व्हेन यू विल बी हैविंग योर रेगुलर क्लासेस यू विल हैव टू give those tests for every respective subject and mark your attendance accordingly. ठीक है, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, आपकी अटेंडेंस उस सब्जेक्ट की उस डे की उस क्लास की मार्क हो जाएगी एंड इट्स टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज ऑन दैट दैट ग्रुप। सो आई एम सेंडिंग वन लिंक जस्ट टू टेक अ टेस्ट, सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल टेस्ट। डोंट वरी दैट पता नहीं क्या मार्क्स होंगे क्या नहीं होंगे, बट जस्ट जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक टेस्ट वहां पे है। ट्राई टू आई मीन नॉट ट्राई टू ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड अटेम्प्ट दैट। आई एम पोस्टिंग वन लिंक ऑन दैट, आई विल बी अवेलेबल ओवर हेयर ऑल्सो। सो द मोमेंट यू कंप्लीट दैट टेस्ट, जैसे ही आप उसको फिल कर देते हैं, उसके आंसर फिल कर देते हैं, आप यू कैन ज्वाइन बैक and write in the chat box, sir, I have done that. I am just posting that link. We give me 2 minutes, please. Please check whether you have received it or not. Please check. I have posted it. Yes, sir. Okay. Okay. So open that. You will find two questions over there. Try to solve and find the answer and post your answers over there only. Okay. I am there in this class. I'll be waiting for you to come back. Just take your time and do that. You need not to worry about ki sir sahi hai ya galat hai, just give your best.
Soma has done it. Yes, sir. Okay. Very good. So Roger done, Jyotirmay done, okay. Mansi has done it, Yogesh has done it. Okay. Okay, Tyasha Ball is done. Okay.
So how many people have done it? Deepak has done it. So let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I think only one person is okay. So every one of you have done it, right? 8 people are there right now, and all of them has done it. So any problem in those questions? No, sir. Okay, so can you all post your answers over here in the chat box if you remember? You can write the option that in first question the right option is this, and the second question the right option is this. So Shmita has not done it. Okay. So you can do it. You can do it. No issues. Okay, Jyotirmoy has said this. Soma has said this. Aisha. Okay. Surojit, 2, 3. Okay. Third option. Okay. Mm-hmm. Deepak has said 2 and 1. Okay. Great. And Jyotirmoy has also said that. Option 2, 3. So Shmita, so we are just okay. All right. So I am getting answers from everyone. Okay, so I think the first question, the answer was second option, and for the second question, the option was third. Yes. So Deepak, I think you have done second question, a bit wrong. Kuch calculation mistake hui aapse, koi baat nahi. And okay. Soma, you have done first question. I think there is some mistake in that. Jyotirmoy said this. So okay, so most of you have attempted it, and may I know which method you guys have used, the substitution? Has anyone tried substitution method? I know if you know this topic earlier. Okay, Surojit has used both, so good. If you know it, this topic already, so that's an advantage for you, so that's really good to know. And I think if you is there anyone who has used the substitution method and find any problem in that? Kisi ko problem aayi substitution use karne mein? No sir. Okay, Sushmita has said no sir. Good. So majority of you, and I think out of those two questions, one question was right for everyone, and only two people have done mistake in two questions, one of those two questions. So overall the result is satisfactory, so but I want everyone to answer it right, so not an issue. So let us quickly understand the second method, and then we'll be done with the class for today. So let me quickly show you the PPT again. Substitution elimination. Okay. I hope it is visible to you all. Yes, sir. Right. Great. So we have done with the substitution method with one basic example, and I really appreciate you guys that by taking only one example you have actually got the concept. So again, I'm taking the same example, x plus y is equal to 10, and I think that was 2x plus 3y is equal to 50. Now in elimination method, we again, just like substitution was like putting something in place of something, replacing something by another thing,
एलिमिनेशन इज टू रिमूव, राइट, टू एलिमिनेट. So now what we'll do over here, we'll use both the equation together, x plus y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 50. First of all, if you are okay with any one of these methods, that's perfect. आपको substitution or elimination में जो भी method comfortable लगता है आप उसको use कर सकते हैं. Answers हमेशा same आते हैं, आप method कोई भी use करिए. Now in this elimination method, what we do, we try to eliminate one variable and find the value of another variable. Now how we do it? So in this method, you just need to check the coefficients. Now you need to understand what do you mean by coefficients. In very basic meaning, very general meaning, equation mein variable ke saath jo multiply ho raha hai, that is called the coefficient of that variable. Means, मैं पहले फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लेता हूं, 2x plus 3y is equal to 50. आप ये बताइए, x के साथ यहां क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? Two. So coefficient of x is 2 with sign. Is it positive or negative? It is positive. And similarly, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3, positive 3, ठीक है? So coefficient of x is 2, coefficient of y is 3. Again, I am taking one more example. Let's suppose it is written as x minus 2y is equal to 10. Now quickly answer in chat that everyone will answer what is the coefficient of x with sign and what is the coefficient of y. Give your answers into the chat box. Coefficient of x is this, coefficient of y is this. So coefficient of x, Deepak has said coefficient of x is 1 and coefficient of y is 2. Okay, let's wait for someone. Soma has said for x is 1, y is 2. Okay. Aisha has said x is 1, y is minus 2. Mansi has said x is 1, y is 2. Okay. Yogesh has said x is 1, y is 2. Okay. Sushmita said y is minus 2. Okay. She has corrected her answer. Okay. Right. So most of you have answered it quite well. I'll not say perfectly. The only thing remains over here is that you need to check it with sign. Okay. Whenever we ask the coefficient, you should say, for x it is positive 1 and for y it is negative 2, minus 2. Right. Okay. Very good. Very good. So now let us come back to the topic, which is elimination method. I am again writing x plus y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 50. So we'll take both the equation or aap ye check kariye. X या Y में से कोई भी एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है. आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट चेक दैट इन दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इज देयर एनी वेरिएबल X या Y है जिसके कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है? ऐसा है क्या? मानसी सेड नो. ओके, बिकॉज आप फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, सोमा सेड नो, तो एक्स का कोएफिशिएंट है 1 और वाई का कोएफिशिएंट है 1. आप सेकंड इक्वेशन में देखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट है 2, वाई का कोएफिशिएंट है 3, यानी सेम तो नहीं है सर. तो हम सबसे पहले उनको सेम बनाएंगे. वो कैसे? यू जस्ट सेलेक्ट, आप मुझे बताइए किसका सेम करना है, एक्स का करें या वाई का करें, आपकी मर्जी है, बट किसी एक का करना है. We can select any one of these two variables. So I am selecting x for example. So x plus y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 50. Now again, there are so many other shortcuts to do it. Main sabse badhiya tarika aapko batata hun, sabse feasible,
वो ये है कि आप सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, वो है 2. उस कोएफिशिएंट से आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है आप उस कोएफिशिएंट से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, वो है 2. उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज 1. उससे फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब आप देखिए इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप मल्टीप्लाई करिए. अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जो भी LHS और RHS है उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20. आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम हो वो बाय वॉइस रिस्पॉन्ड करिए कि सर ये कैसे आया बताइए. आई हैव मल्टीप्लाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय 2 और 2 से क्यों किया, बिकॉज x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2 था, द कोएफिशिएंट फॉर x वाज 2 इन सेकंड इक्वेशन. एंड सिमिलरली व्हेन आई मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 1 इट विल कम एज इट इज, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे देयर इज नो चेंज. नाउ यू चेक x के कोएफिशिएंट सेम हो गए दोनों इक्वेशंस में. द कोएफिशिएंट ऑफ x इन बोथ द इक्वेशंस आर same now. It is 2 in the first and it is 2 in the second also. So this is how we make any of the variables coefficient equal in both the equations. Yahan tak kisi ko koi problem? Any sort of problem? No, sir. No. Great to know this. So now we need to eliminate. अब आप बताइए if I add these two equations together तो x eliminate होगा, या मैं एक equation में से दूसरे को minus कर दूं तो eliminate होगा. What I am trying to say, let me clear this and then we'll talk. माइनस करेंगे. ओके, वन पर्सन इज आंसर्ड. All right. So, after multiplication, we have got 2x plus 2y is equal to 20 and 2x plus 3y is equal to 50. Now, what I'll do, I'll subtract this equation from this. So, LHS minus LHS means 2x plus 2y minus 2x plus 3y is equal to 20 minus 50. मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, बीच में इक्वल एज इट इज लगा दिया. अब उससे हुआ क्या, देखिए व्हेन वी ओपन दीज ब्रैकेट्स, व्हेन वी सिंप्लीफाई, सिंस देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट वी विल चेंज द साइन. सो 2x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, 3y भी पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा एंड 20 माइनस 50 इज नेगेटिव 30. सो आप देखिए 2x पॉजिटिव एंड 2x नेगेटिव, सो 2x माइनस 2x कैंसल्ड आउट, 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 30. नाउ यू टेल मी 2y माइनस 3y विल बी नेगेटिव y is equal to negative 30, minus cancelled and y is equal to 30. And if I am not wrong, we have got y as 30. जब हमने इसको substitution से किया था, तब भी y is equal to 30 आया था.
Now this y is equal to 30 can be replaced in any one of these. Any one of these means this one, this one, this one, or this one. आप किसी में भी पुट कर दीजिए. सो लेट सपोज मैं इसमें करता हूँ. सो एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 10. सो एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 30, विच मेक्स इट एक्स इज इक्वल टू माइनस 20. सो ये दो आंसर्स मेरे एक्स के और वाई के आ गए. अब बताइए किसी को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम. मुझे पर्सनली एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड एलिमिनेशन मेथड. बट अगर आपको सब्स्टिट्यूशन बेटर लगा आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर मेथड. देयर इज नथिंग राइट मेथड और अ रॉन्ग मेथड. All methods are good. All methods are equally capable of solving a problem. So it depends on you. जिन्हें problem है वो बोलिए no sir, best is elimination method. Okay, Sushmita, you can use, no issues. Even I am also of the opinion that I like elimination method the most. But जिन्हें substitution method अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो उसे use कर सकते हैं. बिकॉज हमें इन दोनों में से एक मेथड आना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव इज दिस. दोनों आते हैं बहुत अच्छी बात है. इट्स ऑलवेज बेस्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. बट इफ यू नो वन एनी वन ऑफ दीज टू दैट इज ऑल्सो ओके. आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. सो आई एम अज्यूमिंग दैट वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टूडे हमें वो सब समझ में आ गया है एंड देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. Great. So let me summarize. We have understood what is a particular equation. In that we have done that what is a constant and what is a variable. Then we have done with the why we need equation. Then equation in one variable and two variable along with quadratic and linear equation. And then we have done with the most important thing which was the objective of today's class is this elimination and substitution method. We have done it and I hope you all have understood it completely without a single percent doubt. Again, I am asking, agar kuch bhi doubt hai, don't hesitate to ask 1,000 times. But when I will be asking you something, you should have answer to this. This is what I want from you. When I am teaching, you can ask 100 times, no problem in this. Ki sir, nahi aaya, aur example dijiye, nahi aaya, aur bataiye, no problem in that. But when I will be asking you guys, then you need to answer. All right? So I am assuming no problem is there. Okay. So many of you are answering into the chat box that says yes sir, no problem, no sir, no problem. Okay, very good. We have Ashutosh sir over here, he left it. So let us close it over here and we'll meet regularly from Monday. If you have any general kind of a question, jo bhi aapke mind mein ho,